फिर मैं जब घर जाती हूँ ना तो मम्मी मुझे पूर्वा पूर्वा करती है। मैं बोलती हूँ कौन स्टार हूँ मैं प्लीज। मेरी मम्मी बोलती है तेरे को मैं दिन में स्टार दिखा दूंगी, तू जमीन पे रह ले। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं घर में तो ज्यादा चली नहीं, तो अब मैं कॉलेज में स्टार हो गई। मैं डिपार्टमेंट में ही मैं आराम से बैठी हूँ। नीता मैम आई, नीता मैम ने बोला कि पूर्वा वो काम दिया था मैंने तुझे, हैव यू डन इट? आई सेड मैडम कौन सा काम, अभी स्टार बन गए, अभी काम काम की कोई जरूरत है नहीं। सो मैडम सेड पूर्वा देयर वाज सम वर्क दैट आई गेव यू, प्लीज टेल मी बिकॉज आई हैव फॉरगॉटन थिंकिंग दैट यू विल रिमेंबर। I'm waiting. Then ma'am said, what are you waiting for? I said, not for you to realize that I'm star now. Then Neeta ma'am said, she did not say anything. She kept standing there and looking at me. I said, ma'am, what are you waiting for? Nothing for you to realize. No. तेरी अक्कल आने का वेट कर रही हूँ मैं। मैंने बोला कि मैम अब स्टार हूँ मैं। Then I did one action. And from since I was a child, no, I am programmed. जब वो एक्शन किया जाता है तो मुझे अक्कल आती है। 90s kid, no. So ma'am said, I said, madam, I remember. I had to make report. I had to correct papers. I had to make mark sheet. I am going, don't worry. And then what happened? Everyone was coming to me. Everyone. Madam, you did this. बच्चों को पता लग गया। 6:45 के lecture में जम के भी। ये वो हैं जो 10-15-20 से ज़्यादा आते नहीं हैं। BSc भी आ रहा है, BA भी आ रहा है, BCom भी आ रहा है। मैंने बोला यहाँ क्यों आ रहे हो, क्या हो गया? बोलते मैं हमें पता लगा आप jokes मारती हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल jokes मारती हूँ, पर ये सब क्या हो रहा है? बोलते मैडम बिकॉज हम ही जोक सुनने हम आ गए। अभी मैंने बोला कि मैं क्या करूं, मैम को रिपोर्ट करूं, मारिया मैम को बोलूं, प्रिंसिपल सर के पास जाऊं, दिस इज वेरी सीरियस। तब मैंने बोला कि नो, ये बहती हुई गंगा है, इसे ज्ञान देने का है। तो मैं गई, मैंने बोला आओ सब आओ, सब आ गए। पूरा का पूरा रूम भर दिया मैंने। जब दीपक दादा अटेंडेंस लेने के लिए आए मैंने बोला दादा आज अटेंडेंस होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, बच्चे भरे हुए। एक बार आरजे कॉलेजेस के पीओ, एक बार वो हनुमान जी बोल सकते हैं, राम जी मेरा मन नहीं ना अभी संजीवनी बूटी लाने का। बट पीओ जो हमारे कॉलेज के हैं पीओ दादा, दे सेड मैडम अटेंडेंस तो मैं लेके रहूंगा। वो आए, उन्होंने पंखे से रस्सी बांधी, दीपक दादा ने उस पर क्लाइम किया, खट 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 अटेंडेंस अटेंडेंस चले गए। सुपर मैम। मैंने बोला चलो बच्चों की अटेंडेंस हो गई, और बच्चे आते जा रहे हैं, और आते जा रहे हैं, जितने बच्चे आते जा रहे हैं मैं अपनी टीचिंग एड बढ़ाती जा रही हूँ। पहले चॉक, फिर ये, फिर प्रोजेक्टर, मैंने खत्म कर दी और फिर बच्चे बैठे, मैंने लॉक कर दिया। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, बच्चे बोल रहे ये हमारा तो जोक नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं ये होलोकास्ट करेगी हमारा, बंद बंद कर दिए, गैस चैम्बर बनाई दिए। फिर एक बच्चे ने बड़ी हिम्मत करके दिल पे हाथ करके बोला कि मैडम हम आए थे क्योंकि ये आप कुछ जोक सुनाती हैं और ये हम वो, मैंने बड़ा ढंग से बोला क्या बोल रहे हैं, बोलता है कि नहीं मैम वो आपका स्टैंड अप कॉमेडी का वो हमें लगा, पता लगा। मैंने बोला कि अच्छा जोक सुना है, बोलते हैं हाँ मैडम हाँ, आपने तो सबसे हार्ड टॉपिक ही पढ़ा दिया। पीछे बीएससी वाले बोलते हैं मैडम आप तो हमें पढ़ाती भी नहीं है। मैंने बोला हाँ सुनो, जोक सुनना है, पहले कॉलेज में आना पड़ता है 6:45 को, तुम्हारे सारे नखरे झेलने पड़ते, तुम्हारे एग्जाम बनाने पड़ते, तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, तुम्हारे ये करना पड़ता है, तुम्हें एंटरटेन करना पड़ता है, तुम्हें ये करना, ये सबके बाद जोक सुनने मिलता है, किया कुछ तुमने? तो बच्चे बोलते हैं नहीं मैडम हम जा रहे हैं। जैसे बच्चे निकले उनके साथ में मैं निकली, सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, बच्चों को रोशनी क्या हो रहा है। तो मैंने जैसे ही बच्चे गए, बच्चों के लिए मैं थोड़ी सी हो गई एंटी, पर अपने को टेंशन नहीं थी, चलेगा। द मोमेंट मैं बाहर कॉरिडोर में आई, अगेन थैंक यू ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर जब मैं कॉरिडोर में आने लगी तो पूर्वा व्हाट अ परफॉर्मेंस पूर्वा व्हाट अ परफॉर्मेंस दिस दैट। तो मैंने बोला यार अभी लोग आ रहे हैं दूर दूर से,
मुझे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, जैसे तैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, व्हाट इज दिस, थैंक यू सर, हे थैंक यू मैडम, हे आई हैव टू कम अप विद अ रिप्लाई, आई शुड रिप्लाई देम, आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल दैट दे आर कमिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग मी. So I went through all the research paper what could be the best reply to give to any professor. So I came across a research paper, BuzzFeed News, and there I read, जो आपको compliment मिल रहा है तोड़ मरोड़ के वही वापस करना. मैंने बोला ले ये तो दो मिनट में काम है, ये तो मैं दो मिनट में कर लूंगी. तो मैं स्टाफ रूम में थी, वहां से एक सर आए, वो खड़े हुए और मैं उनकी तरह देख रही थी. उन्होंने मेरी तरह देख के स्माइल किया. मैंने बोला यस, कॉम्प्लीमेंट करने आ रहे हैं, आई एम रेडी, नो थैंक यू, राइट थैंक यू, हेयर थैंक यू सर. सर आए उनके यहाँ पे सर स्माइल कर रहे, मैं स्माइल कर रही, सर आ गए. सर ने बोला भूगा आई लव योर परफॉर्मेंस. मैंने दो मिनट की देर किया, मेरा बोल दिया आई लव यू सर. सर ने लॉकर खोला 15 मिनट के सर लॉकर में, मुझे पता लगा मेरे लिए नहीं आए थे, लॉकर के लिए आए थे. सर बोलते इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, ये मैडम मेरे साथ थकस आ रही है. फिर मैंने बोला कि बाप रे, उस दिन मुझे समझ में आया स्त्री कुछ भी कर सकती है. फिर मैंने बोला ना ना ना, ये सब रिसर्च पेपर न्यूज पेपर ये वो सब बेकार है, आप है ना लोगों से सीखो. तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं जा के सबको कॉम्प्लीमेंट करूंगी, मुझे रिटर्न में क्या मिलता है ना मैं वो देखती हूँ. तो मैंने बोला एक हादसा हो गया ना, आप बार बार नहीं चाहते. रीना मैडम एकदम जोरदार तैयार होकर आई, मेरा दिल आ गया. मैंने जाके बोला मैडम पाओ, यू लुक सो प्रीटी. अच्छा है इधरा इधरा. मैंने बोला हाँ यस मैम, क्या हो गया? ये देख मैंने यहाँ ऑनलाइन से खरीदा था, ये लिंक है, ये है, इसको ये कलर अच्छा है, ये तू ले ले. मैंने बोला कि नहीं मैडम, नहीं, आई मीन यू आर लुकिंग प्रीटी बट दैट्स ऑल राइट. पूरा देख ब्लू और ब्लैक तो मैंने ले लिया, इसमें फ्लोरेसिंग ग्रीन अवेलेबल है, मैंने मेरे लिए करना होगा. उसके बाद मैंने मैम ने मुझे लुक बता दिया, बाल करके आना, हुई करके आना, तस लगा के आना, ये दुल्हन बन के नेक्स्ट डे आ गई मैं फ्लोरेसिंग मटर दुल्हन लग रही थी मैं. रीना मैं वहां से चल के आ रही हूँ, ऐसे ऐसे करके काजल लगा के काजल लगा के. पीछे वाला जो सर थे वो बाद में मुझे दिखे नहीं है, ये वही सर थे जिनको मैंने आई लव यू बोला था. वो बोलते ये घर बसाई नहीं, ये सीधा सोने लगती है. रीना मैं आई, उन्होंने काजल ऐसे लिया और मेरे कान के पीछे लगा दिया. रीना मैम उस दिन आपने अपनी आंखों का काजल मेरे कान के पीछे लगा के बुरी नजर से तो बचा लिया, जो मेरा दिल आप पे आ गया आप उसका क्या करोगे. उसके बाद पे गई, मैंने बोला ये आई कैंट अफोर्ड, मेरा बैंक बैलेंस सही है ना, हर एक को जाके नहीं बोल सकती कि ये ले रही ये ले ली ये लो तेरे लिए कपड़े लो. आई सेड आई नीड टू फाइंड सम अदर एग्जाम. सो आई वेंट अहेड, मुझे मनीषा मैम मिल गए. मैंने मनीषा मैम को जाके बोल दिया मैडम वाओ, कोको कोला कलर की वाइट ब्लाउज मैम, व्हाट अ साड़ी मैम. सेड ओके थैंक यू. मैंने बोला नो आई हैव टू इंस्टिगेट हर, ऐसे कैसे थैंक यू, कुछ तो रिप्लाई निकले, मैं क्या बोलूंगी दूसरे लोगों को. मैंने बोला मैडम साड़ी इज गुड, नो डाउट अबाउट इट, आपने पहन ली तो ज्यादा सुंदर लग रही है. रीना मैम बोलती है मैं तेरी सास बनने के लिए तैयार हूँ. मैंने बोला मैम आपका छोटा बेटा तो बहुत ही छोटा है 8th क्लास में, बाकी तो अच्छा है, वो तो खुश होगा होमवर्क करने के लिए, उसको एक मिल गई. मैंने बोला ये भी तो नहीं कर सकते, कोई मुझे आके थैंक यू बोलेगा, मैं बोलूंगी मैं सास बनने के लिए तैयार हूँ, बच्चे नहीं है मेरे. फिर क्या हुआ, मैंने बोला आई नीड टू फाइंड समवन एल्स. तो मैंने बोला अभी बहुत हो गया.